हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। बात करें तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की, तो आपको बता दें कि वो हमेशा से ही चर्चाओं में छाए रहते हैं। जी हां, उनका प्यारा स्वभाव फैंस का दिल जीत लेता है। वैसे आपको बता दें कि श्री मथुडू की रिहाई के बाद महेश बाबू ने विकास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गाँवों बुरी पालेम और सिद्धपुरम को गोद लिया था। महेश बाबू ने लोगों के लिए बहुत सारे परोपकारी कार्य किए थे और उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कठिन समय में भी अपना समर्थन दिया है। महेश बाबू ने सरकारी अधिकारियों के सहयोग के लिए बुरी पालेम और सिद्धपुरम के सभी ग्रामीणों के लिए कोरोना के टीके की व्यवस्था कर लोगों का दिल जीत लिया। भारत के सबसे कम उम्र के IPS अधिकारी सफीन हसन ने महेश बाबू को अपना पसंदीदा एक्टर बताया है। अधिकारी सफीन हसन ने इंस्टाग्राम पर अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में खुलासा किया। IAS अधिकारी ने कहा कि उन्होंने महेश बाबू एक्टर फिल्म नहीं देखी है, लेकिन वह उनके पसंदीदा हैं। हाल ही में महेश बाबू ने भी लोगों से आग्रह किया है कि सरकार ने 18+ के नागरिकों को टीकाकरण की अनुमति दी है, इसीलिए उन्हें इसके लिए जाना चाहिए। भारत अनन्य स्टार ने भी चिंतित किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर सभी पर भारी पड़ रही है। उन्होंने लोगों से ऐसे कठिन समय में ध्यान रखने और दूसरों की मदद करने का अनुरोध किया। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।